जय हिंद प्यारे दोस्तों, लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए इंग्लिश का पेपर जो कि संपूर्ण हल के साथ। दोस्तों यदि आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही पूरा आपके एग्जाम में जो है इसका पूरा तो पूरा क्वेश्चन आपको फंसने वाले एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं टोटल 3 घंटे आपको समय मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 का रहेगा आपका। देखिए इंट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, रीड द ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, नोट के साथ पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिएगा सभी आपको पढ़ लेना है। टोटल मार्क्स क्वेश्चन 5 रहेंगे, आप इंडक्शन पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, सेक्शन 1 रीडिंग रहेगा। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर आपको देना है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। सेपरेट वीडियो में आपको बताया गया कैसे करना है, यदि आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग इस प्रश्न को कर लीजिएगा, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए इसका क्वेश्चन भी है, इसका क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्वेश्चन, इसका पैसेज है पूरा ए नंबर जो है, इसका पैसेज है इतना, यहाँ तक, यहाँ से लेकर एन से लेकर यहाँ तक पूरा पैसेज है, और ए जो है ए इसका क्वेश्चन है, इसको पैसेज में देखकर इसका आंसर लिखना है आपको। और बी क्या है, रीड द मैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको इसको भी पढ़ना है, पैसेज है इसमें और आपको इसका आंसर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ तक पैसेज था, यहाँ से यहाँ तक पैसेज था, और इसका आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, जो कि आप सब लोग कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या है, डिजिटल अकेडमी क्लासेस सर्च करना है, टेलीग्राम पर जाना है और इसको जो है डाउनलोड करना है। सेक्शन भी क्या, राइटिंग होगा आपको, क्वेश्चन 2 मिलेगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल, और इसको भी हमने जो है एक सेपरेट वीडियो में बताया था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा, वो भी आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपको इसमें का क्वेश्चन आंसर देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लेटर टू योर फादर टू सेंड यू 500 एज यू हैव टू पे योर फीस एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेनरी। इसको मैं आपको बता दूं, बाकी आपको इसका भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसको कैसे लिखना है आपको बता दूं, आंसर भी यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आपको कैसे बताना है, आपको ये बताना है कि मुझे आपको बहुत खुशी होगी, या ऐसे लिखना है कि मैंने कक्षा पैसा मांगना है आपको और फीस जमा करना है। तो आपको बताना है कि मैं क्लास में कैसा हूँ, क्लास के बारे में बता देना है कि पढ़ने में बढ़िया हूँ। उसके बाद आपको मांगना है कि मेरी जो पैसा है, आई हैव टू पे माई फीस एंड बाई सम बुक्स एंड स्टेशनरी, सो काइंडली सेंड मी सम ऑफ 15 सून, यानी जल्दी जी कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू रोहन योर लविंग सन। आपको अमिता ऐसे लिख देना है, बाकी हमने जो एकदम शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे का आंसर आपको मिल गया। देखिए चौथा प्रश्न जो है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग हिम ऑन द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी पर आपको इन्वाइट करना है। ये आंसर भी हमने लिख लिखा है, 10 प्रभु नागर इंडोर, ऐसे ही भी आपको लिख देना, सेम लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं, फुल आंसर मिलेंगे, फुल में फिर आपको जो है आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा है। आप लोग बस क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना है बस। अगर आप लोग यहाँ पर 1K लाइक कंप्लीट कर देंगे तो इसका जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन सहित मिलेगा, संपूर्ण सॉल्यूशन। बाकी इसमें आपको जो यहाँ पर मिल ही रहा है सॉल्यूशन, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर ही तो है। चौथे का आपको लेटर लिखना है, अपने बर्थडे पार्टी पर अपने दोस्त को इन्वाइट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको लिखेंगे 10 प्रभु नगर इंदौर 20 जुलाई 20, डियर राजू। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होप यू आर फाइन देयर, आई एम ऑल्सो इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ टूडे, आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन 28 मार्च, मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स विल बी कमिंग, वी शैल इंजॉय अलॉट, इट विल बी अ ग्रेट फन, सो प्लीज कम डेफिनेटली एंड इन्फॉर्म मी वेन यू आर कमिंग हियर, आई शैल वेट फॉर योर रिप्लाई।
योर्स एज यूअर तरुण, आपको ऐसे लिख देना है। बहुत अच्छा लिखा है, देखिए फुल में फुल मार्क्स मिलेगा आपका। आपको ऐसे लिख देना है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न नंबर 5 देखिए, यू आर मनीषा चौहान, स्टडीज इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डेमा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। आंसर आप देख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट HS स्कूल डेमो। आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर, इतना लिख देना सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हम इतना लिख दिए हैं। फिर सर लगाना है, रिस्पेक्टफुली आई वेक टू सबमिट दैट माई, यहाँ पर एक रहेगा, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इंडोर, इज टू ज्वाइन इन द नेक्स्ट वीक, वी वर शिफ्टिंग देयर ऑन मंडे द 16th इंस्टेंट, आई देयर फोर, यहाँ पर लिखते हैं इंस्टेंट, देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू इशू माई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। आई हैव रिटर्न टू द लाइब्रेरी बुक्स एंड पेड ऑल द ड्यूब्स, थैंक यू योर ओबीडियंटली। नेम आपको यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद रोल नंबर डाल देना है। जैसे हम नेम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अपनी चैनल का नाम लिख दे रहे हैं डिजिटल अकेडमी क्लासेस, और आपको ऐसे भी कर देना है, यानी कुछ भी आपको नाम डाल देना है, लेकिन नाम छोड़ खाली नहीं करना, चाहे एक्स एक्स ही डाल देना, लेकिन कोई नाम डाल दीजिएगा, रोल नंबर एक्स डाल, कुछ ना कुछ डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 है, राइट एन एसे, राइट इट एसे ऑन एनी वन आर द टॉपिक्स अबाउट 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है ना। देखिए अ वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला नंबर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। अगला देखिए, अगला है टेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेरिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ साइंस इन डेली लाइफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तो आपको लिखना है पैराग्राफ वन एनी ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स, आपको लिखना है पैराग्राफ एनी इंपॉर्टेंट ऑफ टीस, टीस वो इंपॉर्टेंट लिखना है, इसको भी लिख लीजिएगा। सी नंबर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ हेल्थ एंड, इसको भी कर लीजिएगा। सेक्शन सी ग्रामर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी हैव एनी 5 एनी ही नोज द बॉडी इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो ही नोज द बॉडी, ही नोज द बॉय विच इज, आप लोग बीच लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए, देखिए यहाँ पर विच नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखिए और भी हैं, 5 ऑप्शन दिए था, तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वह होगा हु, यहाँ पर लिख दीजिएगा हु, आंसर भी हमने लिख रखा है हु। देखिए अगला वेट कम बैक, तो यहाँ पर वीट वेट टिल कम बैक। देखिए हे ब्रदर इज आरजे इन आ लोकल रेडियो चैनल, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा क्या इन इन लिख दीजिएगा, यहाँ पर इन यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए ही वेंट अवे विथ आ हर्ट, फिर क्या लिखेंगे ब्रोकन, ब्रोकन लगे कभी भी आ जाए उसके बाद तो ब्रोकन लगा दीजिएगा। देखिए देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, क्या लिखेंगे कुछ पानी, तो सम लिख देंगे। देखिए मुंबई इज बिगर बंगलौर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमने इस पेज में लिख चुका है, दैन लगा देंगे, क्या दैन लगा देंगे। ही हैज़ मेनी प्लेज, तो राइट एन लिख देंगे, राइट एन लिख देंगे थर्ड फॉर्म। देखिए द सन सीम्स राउंड द अर्थ, तो क्या लिखेंगे टू गो लगाएंगे, क्या टू गो, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद या तो वर्ब की 4 फॉर्म आएगी या तो वर्ब की 5 फॉर्म आएगी, सॉरी वर्ब की 4 फॉर्म या तो 2 प्लस वर्ब 1 फर्स्ट फॉर्म, तो इतना आएगा। तो चूंकि वर्ब 4 आ गया इसलिए इसमें क्या है वर्ब 2 प्लस वर्ब 1 है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया। देखिए आई टेक योर पेन, तो मे आई टेक यहाँ पर होगा, क्या होगा मे आई टेक। इसके बाद देखिए वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बी मस्ट, हमें मस्ट करना चाहिए, यानी हमारी क्या नेसेसरी है। अगला देखिए सप्ली वाटर टू द विलेजर नॉट बी पार्कड, क्या ड्रिंकिंग लिख देंगे। सेक्शन सी लिटरेचर में आ जाएगा, तो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, व्हाट डिड लेंको थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो जो है क्या सोच रहा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को, तो ब्रंच ऑफ क्रूक्स लिख देंगे, यानी कि क्या चोरों का झुंड लिख देंगे, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न,
व्हाट डिड द क्राउ सेक द ऑन द पोएट, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए व्हाट डज आइस सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ कॉरेज, इसको भी आप कर लीजिएगा। चूँकि मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और समय आपके लिए बहुत कम है, बहुत बहुत कम समय आपके पास, बस आपको क्वेश्चन देखना है, उसको करना है बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पूरे संपूर्ण तरीके से आएंगे। देखिए अगला, व्हाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एयरप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस, इसको भी यहाँ पर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला, ये इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन चार ऑप्शन है, जिसके बाद छठवा है, इसका भी ऑप्शन देख सकते हैं, इसको भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब संपूर्ण जो है पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आपको पोएम दी गई, इसको पढ़ना है और इसमें आपको आंसर बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी किस पोएम से ली गई है, तो आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर ऑफ द जू, उसके बाद द बाल पोएट, इसको भी आप कर लीजिएगा। व्हाट डज द स्टेयर एट, इसको भी आप कर लीजिएगा, चार तीन ऑप्शन दिए गए हैं। फिर उसके बाद रीड द फ्लोइंग स्टैक फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तीन ये आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आंसर देखना है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लाइक कंप्लीट करिए, लाइक गोल कंप्लीट करिए, तभी इसका आंसर मिलेगा, बहुत जल्द आपको मिलेगा। देखिए आंसर ए, दसवां नंबर भी कर लीजिएगा, 30 वर्ड्स में लिखना है, तो इसका ऑप्शन, इसका जो है आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा देखिए छठवां सातवां प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्यारहवां प्रश्न देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स में लिखना है, केवल दो का करना है, तो चाहे इसको कर लीजिए, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे कुछ को भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बारहवां देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी टू, केवल दो करना, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, और 75 वर्ड्स में लिखना है, एनी टू, कोई भी दो लिखना है, वो भी 75 वर्ड्स में, चाहे आप लोग इसको कर लीजिएगा और आप लोग इसको कर लीजिए, किसी भी कर सकते हैं, इन दोनों से कोई भी दो, 75 वर्ड्स में, यानी लॉन्ग आंसर, स्मॉल थिंग से इसको आप कर लीजिएगा, 75 वर्ड्स में, डस्ट ऑफ स्नो पर लिखना है। उसके अलावा देखिए, यह तो आप कंपेयर करना है, टाइगर केज इन द फॉरेस्ट डिस्क्राइब इन टाइगर ऑफ इन द जू, इसको भी आप कर लीजिएगा। 15 नंबर, वाई वेयर हाउस होल्ड डॉग्स एंड स्टेटेड इन टैकी इंटायरली इन अबाउट 75 वर्ड्स में लिखना है, तो देखिए इसको भी आप कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, समझ लीजिए एकदम रियल पेपर था, क्या था, रियल पेपर था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप लोग जानते होंगे एक ऐप है, जहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर सर्च करना है डिजिटल एकेडमी क्लासेस, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे इसका, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।